नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्रों के लिए संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा ना कि बिहार बोर्ड 10वीं में 100 ऑब्जेक्टिव संस्कृत में पूछता है, जिसमें से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके संस्कृत बुक्स का रहता है। जैसे कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके संस्कृत के बुक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 45 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना, और 55 नंबर का संस्कृत व्याकरण में से पूछा जाता है। तो सारे मैं आपको बता दूंगा, पहले आप लोग ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पुष्पपुर, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। दूसरे का आंसर क्या होगा, ए नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि पटना का इतिहास पुराना है, तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर हमारा दूसरा का तीसरा का भी आंसर कहा होगा, तो ए नंबर होगा, 2500 वर्ष पुराना। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, कोशिश करिए कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और 4 का आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो माता होती है, हमारी माँ होती है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है, तो हमारी माँ होती है, यानी कि माता श्री, ठीक है ना। तो 5 का आंसर होगा ए नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, दानी। मंत्री बीरेश्वर जो था ना, वह काफ़ी दानी था, यानी कि गरीबों और आलसियों को फ्री में वस्त्र भोजन इत्यादि सब दिया करता था, इसलिए उसको दानी बोला गया, ठीक है ना। मंत्री कहाँ का, मिथिला का मंत्री था। मंत्री बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का ये मंत्री था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शन व तिरस्काओं का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24 सती संस्कृत में देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो 24 से याद रखना, ये हमारा 24 यानी कि 24 यानी कि 20 इसका आंसर 24 नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, 5 होगा ना, अथर्ववेद मैंने कह रहा है, तो अथर्ववेद में 5 होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसका आंसर 24 दिया है ना, इसका आंसर 24 ही होना चाहिए, बट यहाँ पर इसका आंसर लग रहा है कि 5 होगा, ठीक है ना। 24 ही होना चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद में कह रहा है ना, तो 24 ही होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको देखकर कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आठ है कि गार्गी एवं वचवल्लवी किनके दरबार में रहती थी, ये किनके दरबार में रहती थी, तो ये राजा जनक का नाम सुने हैं ना, ये राजा जनक के दरबार में रहती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विजयंका का वर्ण यानी कि रंग थी उसका, विजयंका जो थी ना उसकी रंग कैसा था, उसका रंग कैसा था, तो आप लोग याद करना श्याम, ठीक है ना। क्या होगा, श्याम हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की थी, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, तो पंडिता छमाराव, क्या होगा, पंडिता छमाराव, यहाँ पर केवल उनका शॉर्ट नाम दिया छमाराव, तो पंडिता छमाराव हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अन्न प्रशासन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, अन्न प्रशासन संस्कार जो होता है ना, वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जनपुण संस्कार। जनपुण संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं, और जनपुण का मतलब हुआ कि आपके जन्म से पहले आपके जीवन में ना 3 संस्कार होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है, शैक्षणिक संस्कार इनमें से कौन नहीं है, तो 12 का आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जात कर्म जो है ना वो शैक्षणिक संस्कार नहीं है, बाकी वेदारम्भ, उपनयन, अक्षरारम्भ, वेदारम्भ, ये सब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारम्भ कहाँ करते थे, तो हमारा आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु के घर, ठीक है ना, गुरु के घर पर। अगला क्वेश्चन, के शांत संस्कार में शिष्य का प्रथम और छौर कर्म कहाँ होता था,
तो प्रथम क्षौर कर्ण कहाँ होता था, तो 14 का आंसर हो जाएगा गुरु के घर में, ठीक है ना, गुरु के घर में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे, भीखनटोला गांव के निवासी। देखो भीखनटोला जो गांव था ना वो काफ़ी मतलब कि अशिक्षित गांव था, वहाँ के कोई भी लोग पढ़े वढ़े नहीं थे, ठीक है ना, और काफ़ी वो ज़्यादा मतलब कि वहाँ के लोग गरीब थे, ठीक है ना। तो देखो धन विहीन यानी कि धन वाले नहीं थे, शिक्षा विहीन यानी कि किसी के पास शिक्षा ऐसी नहीं थी, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका आंसर तो डी नंबर होगा ना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे, किस विद्यालय में आए थे, तो 16 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक विद्यालय। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था, तो स्वामी दयानंद ने किया था, और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है मूल शंकर, तो स्वामी दयानंद नहीं दिया है बल्कि उनके बचपन का नाम दिया है मूल शंकर, तो मूल शंकर ने ही बाल विवाह के मतलब बाल विवाह के नहीं बल्कि अन्य मतलब कि कुरीतियों को भी इन्होंने बहुत मतलब कि गहराई से विरोध किया था। तो यहाँ पर हमारा 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है मूल शंकर, देख लो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया स्वामी दयानंद, तो मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद ने सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था, तो याद करना दोस्तों हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है ना हिंदी में किया था, और स्वामी दयानंद का जो जन्म है ना गुजरात प्रांत के टंकर नामक गाँव में 1824 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था, और इसके जस्ट कुछ साल बाद 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो यहाँ पर हमारा 19 का हमारा आंसर मिल जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, 19 का आंसर यही मिलेगा, ठीक है ना, स्वामी दयानंद ने, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाग्य नैतन संभवती किसने सोचा, ये किसने सोचा मतलब कि इसका हिंदी हुआ कि भाग्य से ही ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा किसने सोचा था, तो एक पथिक ने सोचा था जो बाघ बोला था बात, ठीक है ना, उसी के प्रति ये बोला था पथिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुत्र तव कर्णम किसने कहा, तो ये चोर ने कहा था, किसने कहा था, नहीं नहीं ये चोर ने नहीं कहा था, 21 नंबर क्वेश्चन ने, कुत्र तव कर्णम किसने कहा, तो ये हमारा पथिक होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ये पथिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाघ और पथिक की कहानी है, और उसी चैप्टर का ये है कुत्र तव कर्णम किसने कहा, ठीक है ना, ये हम आपका पथिक ही होगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर एक्चुअल में अगर किसी को डाउट लगता होगा तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना व्याघ्र पथिक का था उसमें एक पथिक और एक बाघ है, उन्हीं दोनों का कहानी है, ठीक है ना, उन्हीं दोनों का कहानी है। बूढ़ा बाघ था, उसके हाथ में एक सोने का कंगन था, और वो सोच रहा था कि इसी के लालच के मदद से हम मतलब किसी भी मनुष्य को मार कर खा सकते हैं, बहुत अच्छा कहानी है। अगला क्वेश्चन औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो यहाँ पर 22 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी निरोग के लिए नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर इंद्र। अगला क्वेश्चन है कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता था, पहले दान में क्या देना चाहता था, तो पहले दान में 1000 गाय दान में देना चाहता था, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है कि आज अशांति सागर तट पर कौन अवस्थित है, तो संपूर्ण संसार आज अशांति के तट पर ही खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विश्व में अशांति के दो कारण क्या है, द्वेष और असहिष्णुता, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा 27 का, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो वैश्विक दर्शन के, ठीक है, वैश्विक दर्शन के। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो 29 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गौतम, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का नाम सुने हो ना, तो गौतम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 30 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है।
अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि वेदाहम महतम पुरुषम महांतम डैश डैश, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो हमारा मंत्र है ना, वो लिया गया है हमारा ईशावास उपनिषद से। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं? तो भारत देश की स्तुति करते हैं। परम संतोष देने वाली क्या है? परम संतोष देने वाली क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्या। परम संतोष देने वाली क्या है? तो विद्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परम सुख देने वाली क्या है? परम सुख देने वाली क्या है? तो 35 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। अगला क्वेश्चन सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता जिसके कार्य में विधवा नहीं डालने उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पंडित कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पंडित कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी का वर्णन है। गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? यहाँ पर आपका कितना नंबर 38 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, हंस और सारस। ठीक है ना, गंगा जल को किसने मलिन कर दिया था? गंगा जल को किसने मलिन कर दिया था? तो हिरणों के झुंड ने गंगा जल को पूरा मलिन कर दिया था। ठीक है ना, 39 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि अपृष्ठ बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए नीति 16 का। ठीक है ना, 41 नंबर क्वेश्चन है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? इंद्र आए थे। कौन आए थे? इंद्र आए थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? ये क्वेश्चन आपको अभी दो बार रिपीट हुआ क्या? नहीं, ये लोभ होगा। ठीक है ना, परम तृप्ति देने वाली क्या है? लोभ नहीं होगा, विद्या होगा। क्या होगा? विद्या हो जाएगा। अपना और पराय की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करता है? तो निम्न चित वाले लोग करते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर परपीडन से क्या मिलता है? तो आपका 45 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा, पाप मिलता है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर, ये क्वेश्चन है कि अहिंसा से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं? तो 49 का हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, औपनेस दिक्कम। ठीक है, दिक्कम याद रखना, औपनेस दिक्कम आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है ना कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? तो 50 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, मूसिका। ठीक है, क्या होगा? मूसिका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराया। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना क्योंकि आपके बुक्स का ही क्वेश्चन है। अगर आप संस्कृत के बुक्स को डायरेक्ट पढ़ेंगे और ऐसा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको निकलेगा, आपसे निकलेगा भी नहीं और आप वहाँ से आपके उस बुक्स में दिया भी नहीं गया होगा। ठीक है ना, इसलिए आप इसको याद करें। ठीक है ना, क्योंकि 45 नंबर का आता है, कभी कभी 50 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,